सभी साथी गुरुजी जी लोगों को मेरा साथ करो। जय सचिन देशवाल, इस वर्ष रेवेन्यू पैनल की तरफ से छात्र अध्यक्ष संघ का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों से ना लिंग के आधार पर वोट मांगूंगा, ना जाति के आधार पर वोट मांगूंगा, और ना ही शेर और शायरी सुनाकर आप लोगों का मन बहलाऊंगा। सर्वप्रथम मैं आपको एडमिशन पैनल का एजेंडा घोषणा पत्र प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका नाम है द 10 पॉइंटर। इसका पहला पॉइंट है वाईफाई। आप लोगों को अच्छे से पता है कि कॉलेज में वाईफाई अवेलेबल तो है, पर आप लोगों को एक्सेसिबल नहीं है। रेवोल्यूशन पैनल आप लोगों को वाईफाई एक्सेसिबल करा के देगा। कैंटीन में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, या तो आप लोगों को भोजन खरीदनी पड़ती है या फिर आप लोगों को नीचे आना पड़ता है। तो हम आप लोगों के लिए कैंटीन में वाटर कूलर इंस्टॉल करवाएंगे। हमारा अगला मुद्दा है कोलर माइक्स एंड साउंड सिस्टम इन बिग क्लासरूम्स एंड लैब्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कॉलेज के जो बड़े क्लासरूम्स हैं उनमें टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी आती है। हम उन क्लासरूम्स में कॉलर माइक्स और साउंड सिस्टम करवाएंगे, जिससे टीचर और स्टूडेंट के बीच का कम्युनिकेशन गैप कम से कम हो पाए। लैब में एडिटर्स का, जैसा कि आपको पता है एडिटर्स का डेली डायरेक्शन आ चुका है, उनका भी डेली डायरेक्शन आता रहता है, पर जो आपकी लैब्स में उपकरण है वो पुराने हैं और हम उन उपकरणों को चेंज करवाएंगे, नए उपकरण को उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए आप लोगों की और आपके टीचर्स की एडवाइस ली जाएगी। हमारा अगला मुद्दा है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आप लोगों के लिए संभाल करवाया जाएगा, और जो आप लोगों ने बैग्स लाइब्रेरी के बाहर रखे रहते हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए टोकन सिस्टम लाया जाएगा। और मुख्य रूप से एक महिला टैलेंट की नियुक्ति की जाएगी। हमारा अगला मुद्दा है कल्चर मंत्री। जैसा कि आपको पता है कि हंसराज कॉलेज में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से बच्चे आते हैं और उनका कल्चर उनके अंदर ही समा के रह जाता है, उनका कल्चर बाकी लोगों को पता रहे, इसलिए हम कल्चर इंक्लूजन करवाएंगे, अलग अलग कल्चर इवेंट्स करवाएंगे। जैसे स्टैंड अप कॉमेडी और सिंगिंग इवेंट्स। हमारा मुद्दा है सैनिटेशन का। जैसा कि आपको पता है मित्रों, कॉलेज परिसर में जितने भी वॉशरूम और टॉयलेट्स हैं सबकी दशा बिल्कुल गोयम दर्जे की है, उनमें 100% सुधार लाया जाएगा और आप लोगों को साफ स्वच्छ वॉशरूम और टॉयलेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। हमारा मुद्दा है डीसी कंस्ट्रक्शन। कॉलेज प्रशासन की सहायता से आप लोगों की बिल्डिंग फीस दोबारा से कम करवाई जाएगी, जैसा कि अनिलेश कुमार के बाद देखे तो उनको मैं धरातल स्तर से उठा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे जमीन स्तर पर काम करना पसंद है। हमारा घोषणा पत्र द 10 पॉइंटर आप लोगों की बेसिक जरूरतों से मिलकर बना है, उसमें आप लोगों की बेसिक नीड्स को इंक्लूड किया गया है, और ये ना तो किसी विभाग में शेर और शायरी से लबरेज है और ना ही किसी के बुनियादी एजुकेशन से। सहभागिता देखने को मिलेगी और हमारी टीम में अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग स्ट्रीम से बच्चे हैं, जिनसे हमें हंसराज कॉलेज के हर छात्र की परेशानियां मालूम होती हैं और हमें उनका समाधान करने में आसानी रहती है। ऐसा कुछ शायद भी आपको किसी और तरह में देखने को। जो सत्ता पक्ष था उन्होंने केवल और केवल एक बढ़िया प्रेस और प्रेशर से मान करवाए थे, लेकिन पिछले वर्ष का प्रेस बहुत ही निम्न स्तर का था और उसी टाइम में कुछ लोग बच्चों को गुमराह कर रहे हैं कि शाहरुख खान को उन्होंने दिलवाया था। शाहरुख खान रमा आदरणीय रमा मैम के आमंत्रण पर आए थे। आप लोग Thank you.
कि आप मुद्दों पर वोट करें, ना कि किसी लिंग जाति या क्षेत्र को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, अगर इसरो चंद्रयान 2 की बजाय हमें साइकिल पर चांद पर ले लेगा तो कैसे चलेगा? अगर आपको बुनियादी जरूरतें नहीं पूरी होंगी तो कैसे चलेगा? जैसे वाईफाई, लाइब्रेरी, होटल एक्सेट्रा। और दूसरा वो कहते हैं कि भैया आप साथ लेकर आएंगे। आपको पता है दोस्तों कि कॉलेज में छात्र भी 22 वर्ष की उम्र के हैं और टीचर भी भैया, तो अब क्या बेंच और दीवारों को नहीं बनाएंगे? First of all, I welcome you all to this first presidential debate being organized in Hansraj College. I'm Bonnie Mehta and I'm the presidential candidate from Chile. So, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो मेरी स्पीच है वो रटी रटाई तोड़ने वाली स्पीच नहीं है। तो अगर आपको कोई गलती या कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा, ठीक है? मानिए मुझे बार बार में कोई अनुभव है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगी कि मैं क्यों, मैं फर्स्ट कैसे हंसराज स्पोर्ट काउंसिल से जुड़ी हूँ। मैं बीसीए में सरांजली का पार्ट रही हूँ और अपनी कक्षा में अव्वल दर्जे के छात्रों में गिनी जाती हूँ। इसलिए मैं छात्रों के मुद्दों से जमीनी तौर पर जुड़ी हूँ और अगर मैं अध्यक्ष पद पर जीती हूँ तो मैं इन मुद्दों का सोल्यूशन निकालने में काबिल हूँ। पर आज मुझे पता है आप सभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आप जरूर मुझे वोट करने आएंगे और मैं अपने नाम पर, अपने सरनेम पे वोट मांगने नहीं आई हूँ, ना ही मैं अपनी काबिलियत से पूरे पैनल के लिए वोट मांगने आई हूँ। मैं चाहती हूँ आप आओ 12 तारीख और मुझे मेरे पूरे पैनल को जिताओ और इसके जिताओ, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं वो बड़े प्यार से हमने बनाए हैं और हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, विजन के हैं, क्योंकि कल को विजन अगर आपका फेल हो जाता है तो आपको कोई उंगली उठा के ये नहीं कह सकता क्योंकि आपने ये नहीं किया भाई का, क्योंकि वो तो विजन था। विजन है ना हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। जहाँ पर हम अपने एलपी का, जहाँ पे हम अपने वाटर कूलर का और सारे भी आपके मेरी मशीन का ख्याल रखेंगे। और आउटसोर्सिंग जहाँ पे हम हाई मेटेनेंस जॉब आर सिस्टम दिखाएंगे ताकि आपकी परेशानियां हम तक आ सके। आपके आधार कार्ड के लिए लंबी लंबी लाइन रखी है वो हम कम कराएंगे और आपको बिल्डिंग लाइट आपके साइड दिखाएंगे। हंसराज सबके लिए समान है, तो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए
टीवी के बगल में एक छोटा सा फूड स्टॉल लगाने का हमने सोचा है, जहाँ पर इनको खाली मिलेगी एक बहुत ही सच्ची लाइफ के लिए। और एक बार फिर हंसराज, जहाँ पर हम स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी वो ग्राउंड हो, जिम हो, बैडमिंटन हो, तो हर छात्र तक पहुँचाएंगे। ग्राम हंसराज के अंतर्गत हम ही से सोसाइटी का स्पेशल ख्याल रखेंगे, ताकि उनको फूड ग्रुप में मिले, जैसे कि बाकी सोसाइटी से होते हैं, ताकि स्पोर्ट्स के स्टूडेंट से ध्यान इधर कीजिए। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मैं हूँ भाई साहब, ठीक है, आप सही रोकिए, पहले रोकिए। मैंने आपको पहले कहा था किसी तरह की हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की तो हम लोग उसी टाइम को कैंसिल करिए, क्या बच्चों के लिए क्या है ये। क्या जब आपने कहीं बोला सुन नहीं सकते उसको, आपस में कोई बहस नहीं की जाएगी। कैंडिडेट के अलावा कोई कोई भी किसी भी ग्रुप का कोई कोई भी स्टूडेंट स्टेज के ऊपर नहीं आएगा, स्टेज पर आना किसी भी कैंडिडेट के अलावा किसी का अलाउड नहीं है। मैं अपना एजेंडा समझा रही थी, प्लीज इसे भी साथ क्रिएट करें। वाइस फॉर यंग हंसराज, यंग हंसराज के अंदर तक इसी सोसाइटी को फूड ग्रुपेज मिलेंगे, जैसे कि स्पोर्ट्स के बच्चों को मिलते हैं, साथ ही साथ उनको प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर वेन्यूज का इंतजाम। हम हमेशा ही मुद्दों की राजनीति करते आ रहे हैं और हम मुद्दों की राजनीति ही करेंगे। अब एक बात भी बता दूं कि हमारे जो मुद्दे हैं वो इतने अनुग्रह लिए हैं, इतने इनिशिएबल है कि हमने 3 तारीख अपने मुद्दे निकाले और रेजोल्यूशन पैनल ने बड़े प्यार से उनमें से कई मुद्दे उठाकर रखे मेरी तरफ से। हमने भी बोला है भाई साहब, हमने बहुत पहले 3 तारीख को बोल दिया था भाई साहब, चलो कोई बात नहीं। हम आपको बताते हैं कि आप इन्हें महसूस करके हमें क्यों खुश करें। लिंग दो के बारे में शायद आपने सुना होगा, शायद किसी ने नहीं भी सुना, पर लिंग दो 6.7.3 There should be no appeal on caste or community sentiment. स्टेज पे आके तो हर कोई बोलता है कि मैं जात के नाम पे नहीं मांगूंगा, बाहर क्या हो रहा है सबको पता है। जिनको मैं केवल अपोनेंट मानती हूँ प्रेसिडेंट का, उसके लिए एक मात्र अपोनेंट हंसराज जैसे प्रतिष्ठावान शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थी
अपनी माननीय रमा नाम से दे दीजिए। आदरणीय प्रिंसिपल मैम तथा उपस्थित प्राध्यापक एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। जो सबसे पहली बात जिसके लिए हमने एक नया पैनल बनाया, जिसके लिए एक नई शुरुआत की, उसमें हम तीन पॉलिटिक्स का इरादा रखते थे। एक इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स का इरादा रखते थे, एक बेहतर समझ के साथ मनी मसल पावर फ्री पॉलिटिक्स का इरादा रखते थे। और इसके लिए हमने इस कड़ी में सबसे पहली कोशिश की कि हमने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से प्रेसिडेंशियल डिबेट की मांग की। और हम आभारी हैं कॉलेज प्रशासन के कि आज हम सब यहाँ एकत्रित में उपस्थित हैं प्रेसिडेंशियल डिबेट के लिए। हमारे पहले डिबेट की सफलता है। अभी आप तो देख रहे हैं ये चल रहा है, हम इसी के खिलाफ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी ताकतें अगले साल से चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी ना पाए। इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स को प्रमोट करते हैं और इसके अलावा जो दूसरा हमारा विजन है वो है मैक्सिमम स्टूडेंट वेलफेयर। हम एजेंडे की बात करते हैं लेकिन 10-12 एजेंडे पे पूरे साल तक यूनियन नहीं चला सकते, हमें कई सारे एजेंडे पे काम करना होगा। हम ये मानते हैं कि स्टूडेंट वेलफेयर के सारे रास्ते हमारे दिमाग में नहीं आते। कई सारे चुनाव आपके हो सकते हैं, कई सारे चुनाव इनके हो सकते हैं, कई सारे एजेंडे इनके हो सकते हैं। अगर हम सफल होते हैं तो कॉलेज के एक एक स्टूडेंट का एजेंडा हमारा एजेंडा है। क्योंकि हमारा मोटिव है मैक्सिमम स्टूडेंट वेलफेयर। क्योंकि कुछ लोग लगातार फेल होते रहे हैं स्टूडेंट वेलफेयर में, क्यों? क्योंकि मनी एंड मसल पावर की पॉलिटिक्स है। मैंने देखा है तो हम उसको मैनिपुलेट करा लेंगे ताकत से। हम एक ताकत का चुनाव जीत जाएंगे, हम लड्डू खिलाकर चुनाव जीत जाएंगे, हम चॉकलेट देकर चुनाव जीत जाएंगे। ये भ्रम तोड़ना आपकी जवाबदेही है, ये भ्रम तोड़ना आपकी जिम्मेदारी है। कई सारे एजेंडे हैं जो बताते हैं कि यूनियन फेल हो चुकी है। लाइब्रेरी में किताबें सिर्फ 7 दिन के लिए मिलती हैं, किताबों को पढ़ने के लिए वक्त चाहिए होता है कम से कम 15 दिन के लिए। बड़ी अच्छी बात कही वाणी जी है लेकिन काम नहीं कर रही हो मशीन। कई बात करना है मैक्सिमम स्टूडेंट वेलफेयर की बात करना है और इस कड़ी में हम एक बार कामयाब हो चुके हैं। पहली कोशिश है और उसका नतीजा है कि आज हम सब एकत्रित है और एक इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी डिबेट से पहले एलपी का जो चल रहा था, जो बहका माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, जो नारेबाजियां चल रही थी, वो इंटेलेक्चुअल
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारी रीच थोड़ी स्लो हुई और इसके पीछे भी हमारी आइडियोलॉजी वैल्यू बन गई, क्योंकि हम एलपी पे खड़े होकर नारेबाजी नहीं कर सकते थे, हम गांव पे खड़े होकर नारेबाजी नहीं कर सकते थे, हम स्टॉक पेंटिंग पे खड़े होकर नारेबाजी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। जो लोग खुद डिफॉल्टर हैं, जो लोग खुद रूल तोड़ते रहते हैं, वो स्टूडेंट वेलफेयर में कैसे खड़े हो पाएंगे। पिछले साल यूनियन में कौन था, उससे पहले कौन रहा,
मैं तो आप लोगों को बताना चाहूँगा इसमें भी अच्छी चीज़ है, वो भी इसका अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने आपसे क्या उपलब्ध किया, मैंने हंसराज को कहाँ कहाँ इंटरव्यू किया, मैंने हंसराज को अपने कॉलेज अपने डिपार्टमेंट अपने टीचर के सामने इंटरव्यू किया। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि डिजिटल साइंस की एक साल पहले तक कोई सोसाइटी नहीं थी, मैंने अपने ऐसे से आपकी उसका इनिशिएटिव लिया और आप डिजिटल साइंस की सोसाइटी है। धन्यवाद। देखिए, ये मैं आप लोगों को एक ईमेल करना चाहूँगा। देखिए मित्रों, मैं आप लोगों को ईमेल करना चाहूँगा कि मैंने अपनी स्पीच में दो तीन बार अपने मैनिफेस्टो या 10 पॉइंटर में भी आप लोगों को बताया है कि हमारे पैनल में पुरुष और महिला दोनों की बराबर सहभागिता है, तो वो आप कह रहे हैं कि मैंने गर्ल का नाम नहीं लिया। ये प्रश्न भी उसी से रिलेट करता है कि आपने हंसराज को कहाँ इंटरव्यू किया है। सचिन, व्हाट हैव यू डन ऑन ए पर्सनल लेवल अपार्ट फ्रॉम योर पैनल टू रिप्रेजेंट योर कॉलेज? दोस्तों, मैं जब भी अपने कॉलेज अपने स्कूल या दिल्ली में कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझसे पहले क्या पूछते हैं, कहाँ से हो? मैं बताता हूँ, आए मैं हंसराज हूँ, क्योंकि Yeah!
बताने थी तो जेल प्रबंधन ने चार दिन का फेस्ट क्यों ऑर्गेनाइज किया, खास करता हूँ जबकि आपके पास कोई टाइम नहीं था। इससे तो प्रूव होता है कि जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो एक ही इंसान ने डाले हैं। पर थैंक यू यार, तुमने मेरा काम बहुत आसान बना दिया। एक ही तरह के क्वेश्चन पूछ के कि मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। अब बात ये हुई कि जब हम कभी भी प्रेस के लिए जाते हैं स्पॉन्सरशिप मांगने, पिछले साल का ना रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं। आप अगर पिछले साल फेल हुए हो तो आपको कोई स्कॉलरशिप देगा? और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी आप सब समझदार हो, समझ जाओ। शुक्रिया इस सवाल के लिए, ताकि मुझे ज़्यादा समय मिला इस बात को शेयर करने का, क्योंकि आप बात करने का समय। सबसे पहली बात कि हम उन सारे एजेंडों पर काम करना चाहते हैं जिससे यूनियन फेल हुई है। आपसे कितनी आसानी से कहा ना बताया कि लाइब्रेरी में किताबों की संख्या कम है, अगर चाहा जाए तो इसे पढ़वाया जा सकता है। कॉलेज के पास प्रॉपर फंड है, कॉलेज के पास प्रॉपर, कॉलेज निश्चित रूप से कॉपरेट करेगा इस मामले। इसके अलावा जो दूसरा एजेंडा है, हम चाहते हैं कि कैंटीन की फूड क्वालिटी इंप्रूव कराई जाए। हम चाहते हैं कि ईसीए और स्पोर्ट्स की अटेंडेंस दी जाए। हम चाहते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल के लिए हम लोग कोशिश करें और गर्ल्स हॉस्टल जल्द से जल्द बने। ये सारे एजेंडे हैं हमारे। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि आपके जो एजेंडे हैं, वाटर कूलर क्या ठीक नहीं है कॉलेज में, जीई में ऑप्शन कम है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑप्शन कम है जीई में पढ़ने के लिए, ये सारी परेशानी है। इसको हम ठीक कर सकते हैं अगर चाहें तो, हम लोग मिलकर काम करके इसका रास्ता निकाल सकते हैं। और इस सब के अलावा फिर से कह रहा हूँ कि आपके मन में भी कोई एजेंडा हो तो वो हमारा एजेंडा है, हम उस पर काम करने के लिए तैयार हैं। हमें काम करना है छात्र के लिए, चाहे वो एजेंडा किसी का भी हो, हम काम करने के लिए तैयार हैं। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता है। हमारे तीन सप्ताह की नीति में बताना चाहूंगा, मैंने कई क्लासों में जाकर कहा था कि हम तीन लड़कियां और तीन लड़के एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, छह में आधी लड़कियां होंगी आधे लड़के होंगे। लेकिन नॉमिनेशन के दिन पुलिस बुलानी पड़ी थी कॉलेज में, ऐसी हालत थी, इतना डर का माहौल था कि नॉमिनेशन के दिन पुलिस बुलानी पड़ी थी। तो लड़कियां डर के मारे अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर गई, वो नॉमिनेशन दे नहीं पाई, ऐसी स्थिति कर रखी है इन लोगों ने। तो हमें उसे बदलना है, ये डर की स्थिति के चलते, भय की स्थिति के चलते जो है हमें परेशानी हुई। और हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, मिल के काम करना चाहते हैं। अगर हमारे साथ कुछ और एजेंडे के लोग भी जुड़ते हैं तो बहुत बेहतर बात है, छह लोग की एक अच्छी टीम बनेगी। क्योंकि इलेक्शन के बाद कोई पैनल नहीं होता, इलेक्शन के बाद यूनियन होता है। तो छह लोग बहुत अच्छा सवाल है और मैं लगभग आधा जवाब खुद का दे चुका हूँ। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में महत्व विचारों के विरोध का है। सोचो कितना अच्छा हो कि मेरे पास एक और इनपुट आई थी, मैं लगातार चार साल से देख रहा हूँ कॉलेज के चुनाव। एक और समस्या थी कि कॉलेज में पैनल वोटिंग होती है, कॉलेज में सिर्फ प्रेसिडेंट के नाम से लोगों को जिताया जाता है। तो इसलिए हम चाहते थे कि हमारे विरोधी विचार के लोग देकर एक साथ बैठे, तो ज्यादा बेहतर, ज्यादा लोकतांत्रिक माहौल होता है और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। हमारे पास यूनियन में लोग रहेंगे, अगर हमारे पैनल में ही लोग सिर्फ रहते हैं तो हमसे सवाल करने वाला कोई नहीं रहेगा।
तो हमसे सवाल किया जा रहा है, मैं सवालों को एड्रेस करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि आपके सवाल लोगों के सवाल हमारी जवाबदेही तय करते हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं, हमें जिम्मेदार बनाते हैं। हमारे स्टूडेंट एडवाइजर में डॉक्टर आरोपी